मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। लिखिए, आप जरा जोर से बोल रहे हैं, डर किस बात का? क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम मोहम्मद नसीम हुआ। कहाँ मकान? मकान मेरा राजा बाजार हुआ। राजा बाजार कहाँ? पटना? नहीं, पटना उठना नहीं, हम लोग बंगाल का रहने वाला है। अच्छा, यहीं के हैं? जी। इतना अच्छा हिंदी बोलते हैं? हाँ, हम लोग को तो ज्यादा, हम लोग वोट देंगे ममता को। हम तो सवाल ही पूछे वोट का। वोट का भी सवाल पूछिएगा तो हम लोग वही बात बोलेंगे। अच्छा, पहले समझ गए कि हम लोग वोट देंगे ममता को। इसलिए ओवैसी साहब को नहीं, ओवैसी साहब को वोट देंगे। कहाँ होगा? ओवैसी साहब तो मोदी का आदमी है। हाँ, आप भी बोले मोदी, ओवैसी जी कि किसमें इतनी कुब्बत नहीं है, दम नहीं जो हमको खरीद सके, क्योंकि ममता जी ने इस तरह से बोला था कि बीजेपी का। जी, वो बोले थे ना, लेकिन हर केस में हर चीज़ का उछाल करते हैं मोदी जी। और मोदी जी जो है ओवैसी जी को खरीद के रखे हैं। वो तो बोल दिया, जितना मुंह फाड़ना फाड़ो, पैसा हम तुमको देंगे, तुम मेरे लिए लड़ो। वो दिखलावा का है कि हम तुम्हारे लिए। वो तो आदमी तो खास करके ओवैसी जी मोदी का आदमी है। हाँ, हम लोग को मालूम है। तो के बताया का उसका बोली से, उनका चाली से वो अब तलगा क्या काम किए हैं ओवैसी जी जो बोलते हैं। तो ओवैसी जी बोल के फिर क्या करते हैं? अरे तो ये जाके तुम्हारा दिल्ली में जो केजरीवाल, सारा मुसलमान वोट दिया केजरीवाल को, और केजरीवाल अपना वोट बैंक दे दिया अपना बाप को, मोदी जी को। केजरीवाल भी मोदी? हाँ, तो केजरीवाल तो पहले किया ये काम। हाँ, हम तो बोलने में नहीं डरते हैं ना, बोलने में हम चुकेंगे। हाँ, एक बार फिर जोर से नाम। अरे हम तो जोर से बोलेंगे, केजरीवाल जो है वो भी मोदी को अपना वोट बेच के अपना मोदी को अपना अब्बा बोल के रखे हैं। ये सब अंडरग्राउंड है, सब अट्टा चट्टा एक ही चटाई का खाने वाला है। अच्छा, कौन है फिर ये बताएं? अच्छा तो हम लोग यहाँ पर ममता ही दीदी है। सेंट्रल में तो सारा दुनिया हिगड़ा मोगा, तमाम आदमी सब तो मोदी को गाली दे रहा है। मोदी जी नहीं जान रहा कि हमको सब गाली दे रहा है। देने दे को कहा होगा, वो तो जान रहा है कि हम जो कर रहे हैं, हमारा अपना वजारत है, हम जो चाहेंगे करेंगे। वो तो जो चाह रहा वही कर रहा है। क्या किया अब तलक का हम लोग के लिए? हमको डर नहीं है किसी से, और हम बोलेंगे एकदम डंका चोट पर सबका सामने बोलेंगे। तो यहाँ दीदी को वोट देना? हाँ, हम तो वोट देंगे दीदी को, अपना घर वाला को बोलेंगे दीदी को वोट दो। और लोकसभा चुनाव होता तो? अरे लोकसभा चुनाव होगा भी तो हम लोग वही ममता दीदी को देंगे। हाँ, हम लोग के लिए बंगाल में वो ठीक है। अच्छा, केंद्र में कौन ठीक लगता है? केंद्र में भी वो तो वहाँ का वोट है, वहाँ से हम लोग का मतलब है। हम लोग जहाँ जी रहे, जो हम लोग का जान बचा रहा, हम लोग वहीं पर ही ठीक है। काम करती है दीदी यहाँ? काम नहीं किसी तो हम लोग इतना चमत्कार कैसे? और जरा एयरपोर्ट के तरफ में जाइए और जरा वीआईपी रोड के तरफ में जाइए, देखिए उसका कितना रुपया खर्चा हुआ है। वो तो अपना खर्चा करके दिखलाइए कि हाँ देखो हम इतना काम किया है। तो विपक्ष वाला सब कह रहा है कि दीदी काम करती तो प्रशांत किशोर को लाने की क्या जरूरत थी? अरे बाबा, ये किशोर जितना आवेगा सब किशोर कुमार आगे गाना गाएगा, चल जाएगा। प्रशांत किशोर परेशान किशोर है। हाँ, हम लोग को दीदी हम लोग के लिए ठीक है। दीदी के साथ ही प्रशांत किशोर है? दीदी के साथ में परेशान किशोर। अब वो दीदी जाने और परेशान किशोर जाने, हम तो इतना जाने कि दीदी को हम लोग वोट देंगे। हाँ, मोदी एकदम नहीं। अच्छा, अब मोदी अगर यदि चोरी बेमानी से जीतते हुए आया। अच्छा, बिहार चुनाव के बारे में जानकारी? बिहार का तो हम लोग को मालूम नहीं हो, तो बिहार जो ये लोग बतावेंगे। आप थोड़ा बहुत आइडिया नहीं बिहार चुनाव? नहीं, बिहार में किसी नेता को जानते हैं? बिहार में हम कोई नेता ही का मतलब ही हम नहीं जानते हैं। नेता मतलब कि ये परेशान है, मतलब एक नाम बस दीदी। हम लोग वोट दीदी को गिरेगा। हम अपना वोट दीदी को। नाम बताइए फिर से। हाँ, नाम बताइए अपना फिर से। मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। लिखिए, आप जरा जोर से बोल रहे हैं। हम लोग वोट देंगे ममता को। जगह का नाम बताइए। जगह का नाम मछुआ मंडी है, कलकत्ता में हम लोग रहने वाले हैं, राजा बाजार का। डरते नहीं? डर किस बात का? डरेंगे तो सिर्फ अल्लाह से। ये तो अनाज खाने वाला आदमी, इससे क्या डरेंगे? आदमी से अगर डर गया तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। चलिए, तो बढ़िया, धन्यवाद। बने रहिए ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। जय भीम, जय भारत।